हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। आज का जो टॉपिक है रीडिंग का, वो ये देखेंगे हम कि आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है। आपका एक्स पार्टनर आने वाला है या कोई न्यू लव आने वाला है, कोई नया आएगा या फिर कोई पास्ट का बंदा ही है, एक्स हो सकता है आपका, कि वो ही रिटर्न करेगा, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर जो आएगा चाहे वो एक्स है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, तब तक आप लोग अपने भगवान को याद करिए। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके उन्हें याद करें, उनसे बोलें कि मेरे थ्रू आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए। ओके, और उसके बाद आपने अपने पार्टनर का नाम लेना है। अगर इन केस आपको दिक्कत होती है, आप नहीं ध्यान लगा पाते हैं, नहीं सोच पाते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट होता है, मेरी वीडियो को पॉज करें। ठीक है, यहाँ पर कैंडल्स जल रही हैं, इनकी फ्लेम को देखें या इनकी रोशनी में आप थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व करें, और उसके बाद आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। ओके, और मेरी डेली अपडेट्स, डेली रीडिंग्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में मेरे अकाउंट को चेक कर सकते हो, वहाँ पर मैं डेली अपडेट्स पोस्ट करती हूँ। ओके, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट मुझे दें, ताकि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेके आऊँ। ऑलराइट, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है, क्या आपका कोई एक्स है या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आएगा। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव है, ऑल जोडियक साइंस के लिए है। कुछ खास दिखेंगे तो बताऊंगी, अदरवाइज सारे कलेक्टिव होते हैं तो सब साइंस इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल जो भी देख रहा है वो अपने अपोजिट साइड को देखकर देखे। अगर कोई हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो वो उनसे भी रिलेट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, या कोई स्पेशली किसी एक रिलेशन के ऊपर मैं रीडिंग नहीं बना रही हूँ, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। जनरल है, कलेक्टिव है, और यहाँ पर जो चीज़ आपके साथ मैच हो सिर्फ उसी को लेना आप। जो चीज़ मैच ना हो उसको फोर्सफुली आप अपने साथ मैच ना करें, वो मैसेज किसी और के लिए होगा। ओके, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, नहीं दूंगी। वाह, चलो पता लग गया यहाँ पर कौन आने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक में हमारा ये है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है। देखिए, यहाँ पर पहली एक चीज़ बता रही हूँ, अगर कोई अपने हस्बैंड वाइफ यानी कि जो ऑलरेडी कमिटेड है, मतलब शादीशुदा हैं, अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, तो उनके केस में मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों का कुछ किसी भी तरीके का कोई सेपरेशन चल रहा था, डाइवोर्स चल रहा था, कुछ भी, या अगर आप कि हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया, आप अपने मदर के घर में आके बैठे हैं, या कुछ भी, आप समझ जाइएगा मैं जो बोल रही हूँ, तो उनके केस के लिए मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, रीयूनियन दिख रहा है, आपके साथ दोबारा से एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं इस कनेक्शन में,
राइट, ये चीज़ दिख रही है, वो आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, ये यहाँ पर कंफर्म हो रहा है। बाकी अगर रिलेशनशिप्स की बात करूँ, कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ये इस कनेक्शन से भागे थे, आप नहीं भागे, आपके पार्टनर भागे, ये इस कनेक्शन से भागे थे। आई थिंक इन्होंने इनको ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा बर्डन वाला लगने लगा। कुछ के केसेस में उनकी फैमिली इन्वॉल्व थी इस रिलेशनशिप में, कुछ के केसेस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी, कुछ के केसेस में यहाँ पर कुछ और चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि इनके खुद के दिमाग में फितूर चढ़ा हुआ था कि ऐसा ऐसा है और सब कुछ बिगड़ गया। आपके पार्टनर अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपका कोई न्यू लव नहीं दिख रहा है यहाँ पर, पुराना ही कोई आएगा, आपका एक्स लवर हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकती है, वाइफ हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर इस कनेक्शन में रहे ना, बहुत अथॉरिटिव एनर्जीज़ में रहे हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेट, कंट्रोल करना, अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलाना, उसको हैंडल करना, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, अगर जो कमिटेड नहीं है अपने पार्टनर से, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी एक्स्ट्रा अफेयर्स, मतलब यहाँ पर आप किसी और बंदे से मतलब कनेक्टेड होंगे, आपका रिलेशन किसी और के साथ चल रहा होगा, वहाँ वो जो बंदा होगा या वो जो लेडी होगी या जेंट्स जो भी है, वो मैरिड होगा, ऑलरेडी मैरिड है, किसी और के साथ मैरिड है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपने किसी मैरिड पर्सन से लव करा है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना, एक्सप्रेसिव ना होना, हमेशा फैमिली फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों में वो घुले मिले रहे हैं। मगर अब कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो इस कनेक्शन पे अब चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं। मे बी आप अपने पार्टनर से सोशल मीडिया के थ्रू या फिर सेम वर्क पे मिले होंगे या फिर किसी ट्रैवलिंग के दौरान मिले होंगे। आपके पार्टनर इस कनेक्शन में आना चाहते हैं, दोबारा से आना चाहते हैं, वो आपके साथ एक स्पेशल फीलिंग, आपके साथ एक अच्छा जैसे कहते हैं ना, एक अच्छी कंपनी उन्हें लगती है, आपकी फीलिंग्स अच्छी लगती है, आपकी लविंग एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, आपकी केयरिंग एनर्जी, इन्हें ऐसा लगता है कि किसी ना किसी तरीके का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिस वजह से मैं अपने पार्टनर से अलग तो हो चुका था, मे बी आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट रहा होगा, मे बी 10 महीने, 1 साल, 4 महीने, 6 महीने, और 1 साल बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है, और 6 महीने और 10 महीने बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, 3 महीने या 3 साल भी हो सकता है, ये अपने हिसाब से आप लेना और आप मुझे बताना ऐसा क्या है और कितना हद तक ये सही है। आपके जो पार्टनर हैं अब यही रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, मे बी शायद ये अपनी उस एनर्जीज को छोड़ के आना चाहते हैं, शायद ये अब आपकी तरफ बढ़ेंगे ना तो किसी को कट ऑफ होकर बढ़ेंगे। ये मैं उन लोगों के केसेस में कहूँगी कि जो लोग बिल्कुल ही सेपरेशन में हैं, उनके केसेस में मैं बता रही हूँ, जिन जो बिल्कुल सेपरेट हैं, कोई बातचीत नहीं, अता पता नहीं भाई बंदा क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, क्या नहीं कर रहा है, उनके केस में बोलूँगी मैं कि आपके पार्टनर किसी को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ेंगे। और जो लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिनके बीच में थोड़ी मिनिमम अगर कॉन्टैक्ट है तो उसमें वो थोड़ा सा कुछ आर्ग्यू करेंगे किसी चीज़ को लेकर, और उसके बाद क्या होगा वो चीज़ नहीं दिख रही है, मगर कुछ आर्ग्यूमेंट दिख रही है, अगर जिनका थोड़ा बहुत कांटेक्ट में हो आप लोग, ठीक है। आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, आप पे दूर से नज़र रख के बैठे हुए हैं, ठीक है। क्लैरिफाई मैं लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको कार्ड्स बताऊँगी कि कौन कौन से कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लैरिफिकेशन के लिए मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी। मैंने कहा ना यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, किसी ना किसी तरीके का कोई थर्ड सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर उस सिचुएशन को लीव करेंगे, क्योंकि उनको अगर मैं बताऊँ, अगर उनको उन्होंने जैसे कहते हैं ना,
आपके इस कनेक्शन में इन्हें इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन लगा कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा बर्डन वाला है, बहुत एक्सट्रीम बर्डन है इसमें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते रहते हैं, ब्लेम गेम्स खेले जाते हैं, ट्रस्ट नहीं किया जाता है, जब भी होता है पेन हार्शली बोला जाएगा एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, जिस वजह से आप पेन, आपका दिल पेन में आएगी, आपकी सोल पेन में आती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके पार्टनर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं किसी तरीके से। आप कहीं ना कहीं सॉरी फील करने जाते भी हो, बार बार गए भी हो आप, आपने बहुत तरफ से कहीं ना कहीं इंडिकेशंस दिए हैं, ठीक है, ये यहाँ पर इंडिकेशंस है, ये आपके ये और ये, ठीक है, मगर आपके पार्टनर ने कभी भी इस चीज़ को नहीं लिया, वो ये देखते हैं बस आपने गलती करी और इसको अब दंड देना चाहिए, मैं इससे बात ही नहीं करूँगा, ठीक है, या करूँगी, मैं फीमेल हूँ उसके अकॉर्डिंग बात करूँगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, आपके पार्टनर कहीं, आपके पार्टनर ना इतना ज़्यादा कन्फ्यूज रहे हैं ना हर आपके रिलेशनशिप में, वैसे कन्फ्यूजन इन्हें कहीं पर भी नहीं होगी, क्लियर कट होंगे कहाँ डिसीजन लेना है, किस तरीके से डिसीजन लेना है इन्हें पता होता है, मगर आपके इस रिलेशनशिप में, आपके केस में इन्हें फौरन डिसीजन लेना आता है, इन्हें पता चल जाता है मेरी कोई गलती नहीं है, सामने वाले ने मुझे ऐसा करा, मैंने ये चीज़ वहीं गिव अप कर दिया। आपके पार्टनर ये चीज़ करते हैं, आपके पार्टनर को एग्जैक्ट नहीं पता उन्हें अपनी लाइफ में चाहिए क्या, प्यार चाहिए, लस्ट चाहिए, टाइम पास चाहिए, या फिर ये जो माइंड गेम्स चाहिए। आपके पार्टनर ना बहुत जगलिंग वाले वे में रहते हैं, ठीक है, उनका दिमाग हमेशा क्रॉस रोड जैसा रहता है कि मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। जब इंसान को खुद ही नहीं पता कि उसे चाहिए क्या, तो वो कैसे डिसीजन लेगा, वही आपके पार्टनर के केस में दिख रहा है। मगर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के ना बात करने पे उनकी ये सिचुएशन है, जबकि ये सिचुएशन आपकी थी पास्ट में, मगर अब आपके पार्टनर की ये सिचुएशन है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। वाह, देखो मैंने अभी ये चीज़ बोली थी, टू ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, ठीक है, आपके पार्टनर ने सच में आपके और किसी और के बीच में जगल कराया, या फिर आपके पार्टनर ने आप में और अपने कैरियर में जगल कराया। ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, मनी इनके दिमाग में बहुत घूमता फिरता रहता है, ये चीज़ दिख रही है। टेन ऑफ चैलिसिस क्यों है यहाँ पर, टेन ऑफ चैलिसिस क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताएं, टेन ऑफ चैलिसिस क्यों आया है। रीयूनियन, मैंने आपको पहले ही बोला था, और यहाँ पर टेन ऑफ चैलिसिस है, यानी कि टेन ऑफ कप्स है, आपको देखो ये टेन ऑफ कप्स है, ठीक है, ये थ्री ऑफ कप्स है, टेन ऑफ चैलिसिस को थ्री ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहे हैं, डैट मीन्स कहीं ना कहीं ये आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन वाला टाइम चाहते हैं। ये जो टॉक्सिसिटी, ये जो सेपरेशन, ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट और बहुत एक फ्रस्ट्रेटेड वाली एनर्जीज जो यहाँ पर आप लोगों के बीच में क्रिएट हो चुकी है ना, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये एनर्जीज ख़त्म हो, हम फिर से रीयूनियन में आए, हमारी फिर से बातचीत हो, हम फिर से एक अच्छी लाइफ जिए जैसे हम पहले इंजॉय किया करते थे अपने कनेक्शन में। ये आपके साथ कहीं ना कहीं रीयूनियन चाहते हैं, ये अब चाहते हैं कि ये एक जो भी ये एक जो बुरा वक्त चल रहा है ना, इसको ब्रेक करना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, आपके पार्टनर कम बैक करना चाह रहे हैं, और ये पास्ट है, कोई न्यू नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर। इन्हें पता है कि थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के वजह से ही यहाँ पर सब कुछ हुआ है, ठीक है। देखो अगेन यहाँ पर फिर टू ऑफ पेंटिकल्स आया बॉटम ऑफ द डेक में, कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि इन्होंने दो लोगों के बीच में जगल करा, इन्हें एग्जैक्ट नहीं पता कि इन्हें लाइफ में चाहिए क्या। इन्होंने आपसे भी कनेक्शन में रहे, किसी और के साथ भी कनेक्शन में रहे, मे बी आपको इस कनेक्शन के बारे में पता भी चला हो कि मेरा पार्टनर कहीं और भी इन्वॉल्व हो रहा है, वो बहुत फ्लर्टी है, ये है वो है, शायद आपने अब अपने आप को पीछे करना समझा। कुछ के केसेस में बहुत साइलेंट तरीके से आप पीछे हो गए, कुछ के केसेस में कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को उनकी हकीकत भी बताई, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। द एम्परर क्यों आया है, दी एम्परर क्यों आया है यहाँ पर, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, दी एम्परर क्यों आया है। यस, मैंने कहा ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा
एक उसमें रहते थे कि जैसे कहते हैं ना कंट्रोल डोमिनेट करके रहना, और मेरे अकॉर्डिंग रिलेशनशिप चलेगा, मेरे अकॉर्डिंग अगर नहीं चलेगा तो ये आप पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हुए भी नज़र नहीं आते थे, या कुछ ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं मुझे। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी ये जो प्राइड ईगो एटीट्यूड ये सारी चीज़ों को ना, ये जो इनकी डिसिप्लिन नहीं बोलूँगी मैं इस चीज़ को, क्योंकि डिसिप्लिन एक कायदे का होता है जिसको लोगों को भी फॉलो करने में मज़ा आता है, मगर आपके पार्टनर ने डिसिप्लिन के नाम पे आपको कंट्रोल करा, ऑल टाइम कंट्रोल करा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर ना जैसे कहते हैं ना दो नावों पे पैर रखकर सवार होना चाहते थे, जो कि कभी भी मुमकिन ही नहीं है कि आप दो नाव में पैर रखकर कैसे सवार हो सकते हो। यहाँ पर आपके पार्टनर ने यही चीज़ करी। अब ये कहीं ना आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं बहुत आपके पार्टनर फ्लर्टी हैं, ये किसी भी खूबसूरत चेहरे को देखेंगे तो वहीं पर अट्रैक्ट होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आपके पार्टनर ने आपकी लाइफ में बहुत ऑन एंड ऑफ करा है, इतना आना जाना करा है कि अब आप थक चुके हो और आपको आदत पड़ चुकी है, ये आएगा ये फिर जाएगा। जितनी जल्दी ये आते हैं, जितनी जल्दी इनके एक्शंस होते हैं, उतने ही जल्दी ये पीछे भी हटते हैं। मे बी आपका ये कनेक्शन जब 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 तक रहा है ऑन एंड ऑफ वाला ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऑन ऑफ यही दिखता रहता है। आपके पार्टनर कोई फायर साइन हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यही चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि अभी तक के कार्ड में ना पैशन बहुत दिख रहा है, तो फायर मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा आ रहा है इस टाइम पे। ठीक है, द लवर्स क्यों आया है, मैंने कहा ना ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी है यहाँ पर आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं ये आपको। और आपके पार्टनर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर के माइंड में ये चल रहा है कि आप कहीं और इन्वॉल्व हो, मतलब अब आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हो, और ये इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप ये स्टॉकिंग का तो कार्ड है, मगर आप इस बंदे के ना एक्सप्रेशन देखो, ये बंदा देखो कैसा है, जैसे कहते हैं ना तलवार जिस वे में उठाई है, और इसके एक्सप्रेशन और इसके एक्शंस जो भी हो रहे हैं वो इस तरीके के हो रहे हैं कि बस मैं अब काट दूंगा, मार दूंगा, कुछ कर दूंगा। ठीक है, आपके पार्टनर कोई एक्शन ले तो नहीं पा रहे हैं, मगर इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन एक्सट्रीम चल रही है, जैसे कहते हैं ना कि हम कुछ कर भी नहीं पाते और हमें बहुत कुछ करना भी होता है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ये लवर्स कार्ड है, ठीक है, आपके पार्टनर और आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पर बहुत से लोगों का। आपके पार्टनर जब भी इस कनेक्शन में रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करी है आपके पार्टनर ने, ऑल टाइम अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करी है। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एब्यूजिंग रिलेशनशिप भी रहा है। अगर मैं मैरिड कपल्स की बात करूं तो शायद आपके पार्टनर ने आप पे हाथ उठाया है, मारपीट भी दिख रही है यहाँ पर काफ़ी हद तक, वो भी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, क्योंकि जो एम्परर होता है वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है। ठीक है, उसको कच्चे कान का जैसे कहते हैं ना, उसको ज़रा सा कोई कुछ कह दो उसका दिमाग उस वे में जाने लगता है, अगर उसको कोई अच्छी बात बोल दो तो वो उस डायरेक्शन को छोड़कर सीधा उस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है, अपना उसका कुछ दिमाग ही नहीं है, जबकि एम्परर सबसे ज़्यादा अच्छी एनर्जी का बताया जाता है, मगर उसके अंदर भी एक खामी दे रखी है जो वो इस तरीके की है। आपके पार्टनर ने अगर आप कमिटेड नहीं हो, यानी कि सेम पर्सन से मैरिड नहीं हो, अगर आपका कोई रिलेशनशिप है कुछ लवर्स टाइप में कुछ अलग है, तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ने आपको इस कनेक्शन में अपने अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा चलाया है। आपके पार्टनर ने आपको एक चीज़ के लिए बहुत फोर्स करा है, वो आप समझ जाओ, मैं नहीं बोलूँगी उस चीज़ के लिए, और आपका यूज़ करा है, आपका बहुत यूज़ करा गया है, आपको इमोशंस दिखाकर आपका यूज़ करा गया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे चैलिसेज है और वॉन्ड्स है, यानी कि इमोशंस दिखाओ फिर उसके बाद वो अपने पैशन में आते थे, अपनी उसमें आते थे, मेरे को जिस चीज़ की नीड है मेरे को वो चीज़ मिल रही है, बस डेट्स इट, इतना इनफ है मेरे लिए, इमोशंस गए सामने वाले के भाड़ में, वो वाली एनर्जी आपकी दिख रही है। आपके पार्टनर शुरू से ही ना सेल्फिश टाइप के मुझे दिख रहे हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी खुशी देखी, सामने वाली की क्या खुशी है, उसको किस चीज़ में दर्द हो रहा है, उसे किस चीज़ में दुख हो रहा है, इस चीज़ का आपके पार्टनर को ज़रा भी इल्म नहीं था। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ले लवर्स यहाँ से भी बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स आया है, ठीक है, यहाँ पर भी लवर्स है, टू लवर्स आ गए हैं। क्लेम करना आप लोगों की इस एनर्जी को, मैंने
जो मेरे गुरु थे अब नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, तो उन्हीं के मतलब फैमिली में से जो खुद ऑलरेडी टैरो रीडर है, यहाँ नहीं रहते हैं वो, ठीक है, वो कैलिफोर्निया में रहते हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि मेरी कार्ड्स में लवर्स की एनर्जी बहुत आती है, अभी देख लो दो दो लवर्स आ चुके हैं, ठीक है, लवर्स की एनर्जी बहुत आती है। उसका रीज़न उन्होंने ये बताया था कि मैं खुद को भी मानती हूँ कि मैं ट्विन फ्लेम कोच हूँ, क्योंकि मैंने ट्विन फ्लेम के ऊपर बहुत ज़्यादा सेशंस लिए हैं, कुछ करा है, ठीक है, और ऑलरेडी मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मगर मेरा ट्विन जो है वो मेरा भगवान है, कोई लवर नहीं है मेरा, ठीक है, मेरा जो ट्विन है वो मेरा ऊपर वाला है, मैं शिव को मानती हूँ अपना, एक समझ लो लवर, ठीक है, मैं शिव को अपना लवर मानती हूँ, मेरा उनके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, मेरे परमात्मा के साथ है, ठीक है, ये चीज़ है। मगर उन्होंने कहा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत अच्छे से रीड कर पा रहे हो, इस वजह से आपके पास आता है ये, और आधे से ज़्यादा लोग जिनकी मैं यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ वो सबके सब यहाँ पर बहुत से ज़्यादा लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। अब ट्विन फ्लेम कनेक्शन वो आपका फॉल्स है ट्रू है ये डिपेंड करता है, तो वो तो पर्सनल रीडिंग में ही पता चलता है, मगर यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अब मैं आपको, चलो एनीवेज, ये मैंने आपको चीज़ बताई क्योंकि हर बार आता है, तो ये चीज़ मैंने आपसे इसलिए डिस्कस करी क्योंकि लास्ट टाइम जब आया था तो मुझे हंसी आई थी, जबकि मुझे इसलिए हंसी आई थी कि इतना दर्द होता है और उसके बाद लवर्स आता है, ये कहाँ का नियम है, क्योंकि ठीक है मैं एक टैरो रीडर हूँ मगर मैं एक इंसान भी हूँ, मुझसे ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती। आपको पता है रीडिंग करने के बाद कितनी बॉडी हैवी और दिमाग इतना हैवी हो जाता है कि मैं कम से कम मतलब एक बार में दो कप कॉफ़ी पीती हूँ, वो भी बहुत स्ट्रांग वाली, जबकि मुझे कॉफ़ी मना करा गया है, कॉफ़ी नहीं पीनी, मगर मेरी बॉडी चार्ज नहीं होती है, मैं बहुत डाउन चली जाती हूँ, जब भी लवर्स आते हैं मैं डाउन होती हूँ, आई डोंट नो व्हाई, मगर यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है। मैं आपको यही बोलूँगी, यहाँ पर बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, मगर ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी जर्नी में हो, आपको ये चेक करवाना चाहिए, ठीक है, किसी से पर्सनली काउंसलिंग लेकर या जो भी जैसा भी आपको ठीक लगे। फाइनली आपके पार्टनर कहीं ना कहीं रीयूनियन चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, जो इस कनेक्शन में एक डिसबैलेंस था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था एक पार्टनर को और ये कहीं और किसी में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं इन्हें ये सारी चीज़ें रियलाइज हो रही हैं, ठीक है, ये तो कुछ शायद उनकी एनर्जीज ऐसी आई, शायद पास्ट में आपका क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो चीज़ हुई, अब एक्स आ रहा है तो उसकी करेंट एनर्जीज मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर साइंस बता देती हूँ, लिब्रा बहुत है, एरीज बहुत है, लियो है, जेमिनाय है, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है यहाँ पर, ठीक है, अभी मुझे ये दिखे, बाकी ऑल साइंस इंक्लूड है यहाँ पर, फाइन, ये चीज़ है। इनकी एनर्जीज में मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कि यहाँ जो कार्ड्स आए थे, टेन ऑफ एथेम्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ चैलिसिस, टेन ऑफ कप्स और द हॉर्न गॉड यानी कि द एम्परर, द लेडी एंड द लॉर्ड, लवर्स, सिक्स ऑफ चैलिसिस यानी कि सिक्स ऑफ कप्स, ओके। अब यहाँ पर मैं देख लेती हूँ, एक सेकेंड, ये कार्ड इसका है, आपके पार्टनर करेंटली अब जब वो आना चाह रहे हैं तो उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, आने का रीज़न बताएं और ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। अब वो आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, तो उनकी ट्रू इंटेंशंस, सच्ची दिल की भावनाएं क्या हैं, ये हैं कि जो भी आप लोगों के बीच में एक टफ साइकिल चल रहा था, जो भी कुछ था, जो एक ब्रेक लेके बैठा हुआ था, स्टक हो रखी थी एनर्जीज, तो वो उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, ये आपको एक कप ऑफ लव ऑफर करना चाहते हैं, मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके माइंड में एक फियर है, ये आगे तो बढ़ना चाहते हैं, ये इमोशंस को टच करना चाहते हैं, इमोशंस में बहना चाहते हैं और ये ट्रू दिख रही हैं, मगर इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना ज़्यादा मेस कर दिए, ये रिलेशनशिप में इतना मेस क्रिएट करा है, तो ये पॉसिबल कैसे है कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने क्या रायता फैलाया है, किस तरीके का फैलाया है, इसको कैसे
सही करा जाएगा तो ये समझ नहीं पा रहे हैं, मगर ये आपको ऑफर करना चाहते हैं कि ट्रू इंटेंशंस ये हैं। और देखते हैं कि ट्रू इंटेंशंस में क्या आता है। एक मिनट मैं इसको रख लेती हूँ, वर्ल्ड को ये आया था। और क्या आता है इनकी ट्रू इंटेंशंस में प्लीज मुझे बताएं। बस दो आए हैं, वाओ। द चैरियट, ये एक एक्शन के मोड में आना चाहते हैं। आई थिंक आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या फिर सोशल मीडिया पे आप लोगों का ये कनेक्शन पनपा होगा, बड़ा होगा, डेवलप हुआ होगा। ये आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। मुझे यहाँ पर ना सेवन नंबर, मे बी किसी को सेवन नंबर बहुत दिखता होगा, फोर नंबर बहुत दिखता होगा, टू, इससे पहले टू टू बहुत आ रहा था क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में टू बहुत आ रहा था, तो मे बी ट्रिपल टू, डबल टू कुछ दिखता होगा। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये जो एक खामोशी है, ये जो एक एक पेनफुल सिचुएशन है, इसको लीव करना चाहते हैं। वो सेलिब्रेशन के मोड में आना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारी हमारे लव में जो पास्ट में कहीं ना कहीं एक फ्लावरिंग थी, एक पैशन था, एक अलग ही जुनून था, वो मैं दोबारा से लेके आना चाहता हूँ। जो भी हमारे इस कनेक्शन में जितनी भी ऑब्स्टेकल्स थे, कोई भी क्लाउडी या फिर कोई किसी तरीके की इन्फ्लुएंस थे या कुछ थे, कुछ भी था, मुझे वो सब चीज़ें क्लियर करनी है क्योंकि ये अब आपकी वर्थ समझ रहे हैं। अगर मैं ओवरऑल बोलना चाहूँ तो यस, ये कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पार्टी थी किसी भी तरीके की कोई भी सिचुएशनशिप में, तो यहाँ पर उस चीज़ को लीव करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अकेले में मे बी शायद रोते होंगे, ये रो पड़ते हैं, फिर एकदम खुद को संभाल लेते हैं कि नहीं मुझे रोना नहीं है, मैं वीक कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप के बंदे दिख रहे हैं। ये अपना दिमाग इन्होंने इस रिलेशनशिप में इतना यूज़ करा है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। दिल से आप चले, दिमाग उन्होंने यूज़ करा। शायद उन्होंने कभी आपको ये भी बोला, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं इमोशंस में आकर ना ये पागलपंती नहीं करता, ऐसा कुछ बोला होगा, मुझे नहीं पता ये मेरे मुंह से क्यों निकला। ठीक है, यहाँ पर और देख लेते हैं कि ये इनकी ट्रू इंटेंशंस में और क्या आ रहा है, उनकी ट्रू इंटेंशंस, ट्रू फीलिंग्स में क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे और बताएं और क्या आता है। आपके पार्टनर मे बी आपसे एज में बड़े हो सकते हैं या फिर सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, ये चीज़ दिख रही है, मगर अब ये कहीं ना कहीं क्लियर कट बात करना चाहते हैं। मुझे किसी तरीके का कोई मतलब जिसे कहते हैं ना कोई छुपाव नहीं चाहिए इसमें। ये आपकी ना क्लास लेना चाहते हैं मुझे सॉरी मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों बोल दिया। एक्चुअली पता है कई बार हमारे मुँह से अगर कोई वर्ड निकलता है ना, मैं या कोई और भी टैरो रीडर्स, हम बहुत डिसेंट तरीके से रीडिंग को पेश करना चाहते हैं, मगर हमारे मुंह से अगर कुछ निकलता है ना, वो हम नहीं चाहते। वो यूनिवर्स का होता है एक मैसेज कि आप अपने मुंह से यही वर्ड निकालो, क्योंकि वो बंदा वही डिज़र्व कर रहा होता है उस टाइम पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी, मैंने क्लास वर्ड बोला ना, तो क्लास लेना चाहते हैं, इन द सेंस ये आपसे ना लड़ेंगे, मतलब लड़ेंगे इन द सेंस ये कि तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं चुप हो गया तो तुमने मुझे मनाया नहीं, तुम मेरे से हटकर कहीं और डिस्ट्रैक्ट कैसे हो गई या हो गए। आपकी ना इस तरीके की वाट लगाएंगे, मगर ये प्यार वाली दिख रही है, डोंट वरी कि ये किसी तरीके का आपको गलत बोलेंगे। बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्च्यून था, ये अपनी चीज़ों को, अपनी डेस्टिनी को, अपना ये खराब वक्त, जो भी आप दोनों के बीच में एक कार्मिक साइकिल थी ना, उसको ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। और देखते हैं और क्या आता है। ये पास्ट में जो सेल्फिश थे, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, मुझे जिस चीज़ की नीड है मुझे वो चीज़ चाहिए, मैं जिस चीज़ में खुश हूँ मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे जिस चीज़ में संतुष्टि मिलती है मुझे वो चीज़ करनी है। आपके पार्टनर ऐसे थे, मगर अब कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि उसकी किस चीज़ में खुशी थी मुझे अब वो करना है, वो किस चीज़ से खुश होती थी अब मुझे वो करना है। यानी कि आप इनका अब पहले का तो पता नहीं, अब का बता रही हूँ, ड्रीम कम ट्रू हो, आप इनके लिए एक जैसे कहते हैं ना फ्लावरिंग वाला एक माहौल, एक कि एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं ये आपके साथ। अगर मैं ये बोलना चाहूँ तो ये ही बोलूँगी मैं, एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप कायम रखना चाहते हैं। इसको जो भी आप दोनों के बीच में
एक डिस्टेंस क्रिएट हो रखा था कि आप कहीं और देख रहे हो, वो कहीं और देख रहे हो, दोनों डिस्ट्रैक्ट हैं, बात नहीं कर रहे हैं, टोटली सेपरेशन में है, टोटली नो कॉन्टैक्ट में है, ये कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि ये चीज़ है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक हो सकते हैं, वो शराब बहुत पीते होंगे, पता नहीं पीते होंगे तो बताना, ठीक है। फोर ऑफ बॉन्ड्स, पीने से क्या होता है, पीने से दर्द कम हो जाता है, गम भुला दिया जाता है, अपनी गलतियाँ भुला लोगे क्या, सेहत ही खराब होनी है। एनीवेज, आपके पार्टनर आपको ये समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लड़ाकू हो, ठीक है, आप बहुत लड़ते होगे, आपका कुछ इस तरीके का रवैया रहता होगा, मगर कभी भी उन्होंने उस लड़ाई के पीछे का प्यार नहीं देखा। आपके पार्टनर ने आप दोनों की कभी भी लड़ाई होती होगी ना, उसके पीछे का प्यार उन्होंने कभी नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपका गुस्सा देखा। उस जब भी उसे कुछ बोलो गुस्सा हो जाती है, जब भी उसे कुछ बोलो टेढ़ा जवाब देती है, सीधा जवाब देना नहीं आता है, ठीक है। मगर अब आप ना, आपके पार्टनर ने आपको जो जो लेसन सिखाए ना, आप उससे इतना उभरे हो ना, इतना स्ट्रांग बने हो ना, कि अब आप एक ऐसी तलवार लेके बैठे हुए हो, पूछ भाई तेरे को क्या पूछना है, सीधा जवाब दूंगी। अब आपके सीधे जवाब से भी वो थोड़ा सा डर रहे हैं कि पता नहीं क्या बोल देगी, क्या कर देगी, क्योंकि आपके पार्टनर आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, मेरे को बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, तो मैं किस तरीके से बात करूं, खुद से अप्रोच करूं या ना करूं, अगर उसने मुझे 10 सुना दी तो मेरा तो ईगो हर्ट हो जाएगा, ये वो, ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, ये कार्ड में नहीं है, ये कार्ड नहीं है इस चीज़ का, मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, और जो इनको गाइड कर रहा है ना वो गलत नहीं कर रहा, वो इन्हें अच्छी गाइड कर रहा है, वो इन्हें समझा रहा है कि देखो भाई ऐसे ऐसे है, सीधी सी बात है, सामने बैठ के सुलह कर लो या कुछ कर लो, अगर नहीं होता तो फ़ोन पे कर लो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको सॉल्व करो, बजाय इसके खुद से प्रश्न कर रहे हो, खुद ही को उत्तर दे रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और क्या आता है यहाँ पर, प्लीज़ मुझे बताएं यूनिवर्स, और क्या आता है, ठीक है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं ये गिव अप नहीं कर रहे हैं, ये सोच ज़रूर रहे हैं, इनके एक्शंस तो दिख गए हैं, मगर ये थोड़ा स्लो भी दिख रहे हैं एक्शन लेने में, क्यों, क्योंकि इन्हें फियर है, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, इन्होंने गिव अप तो नहीं करा है, ये अभी भी आपको उसी प्यार भरी निगाह से समटाइम्स देखते हैं, चाहे आपको दिखाते ना हो, बताते ना हो, मगर इनके दिल में अभी भी आपके लिए चल रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना ये बंदा रोता होगा आपके लिए, ये रोया होगा, और जैसे कहते हैं ना, रोना ये नहीं कि बहुत देवदास बन के रो रहा है बंदा और पिए जा रहा है, रोता जा रहा है, पिए जा रहा है और रोता ही जा रहा है, ऐसा नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि कुछ सोचकर, कोई गाना सुनकर, कुछ आपका नाम सामने आ गया, आपकी फ़ोटो आ गई, या आपका कुछ कुछ भी जो आपसे कनेक्टेड हो, वो एकदम आने के बाद ना उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो अपने आप को एकदम नॉर्मल कर लेते हैं कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, आई एम फाइन, मुझे अपने पे वर्क करना है, मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है। देखो मैंने ये बात बोली, हाई प्रिस्टेस कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कोल्ड करते हैं, फ्रीज करते हैं, हाइड करते हैं, मुझे नहीं बताना, ये करना, मिस्टीरियस टाइप की पर्सनैलिटी, एक्सप्रेसिव नहीं है। अगर इन्हें पैशन दिखवाना हो ना, तो ये तो बंदा सामने खुल के आता है, पैशन इन द सेंस, समझ जाओ, अगर इमोशंस की बात आती है तो इसको बोलना नहीं आता कुछ, कैसे एक्सप्रेस करूँ, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, ये चीज़ मुझे दिख रही है, अजीब है, अजीब। आपके पार्टनर का कॉल आएगा, ठीक है, जजमेंट है, कर्मा का कार्ड है, आपके पार्टनर को किसी तरीके का कोई कर्मा मिला है, जिससे इन्हें कहीं ना कहीं अभी अपनी इंट्यूशन फॉलो कर रहे हैं, इन्हें समझ में आ रहा है, ये आपको स्टॉक करते हैं, बहुत स्ट्रांगली स्टॉक करते हैं, ये आपको आपको देख रहे हैं, आपसे ये मुझे लग रहा है बहुत से लोगों का कॉल या मैसेज, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट में कॉलिंग आती है, यूनिवर्स की साइड से इन्हें कुछ ना कुछ संदेश मिल रहा है, ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ये आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, मीटिंग भी करेंगे ये आपसे, मगर स्टार्टिंग मुझे कॉल मैसेज से दिख रही है, ये आपको सोशल मीडिया पर बहुत हार्डली स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा। साइंस बता देती हूँ, यहाँ पर वर्ल्ड और कर्मा में ऑल साइंस इंक्लूड है, बाकी यहाँ पर स्कॉर्पियो है और कैंसर है, टॉरस है, वर्गो है, एरीज है, पाइसिस है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है।
मैं लास्ट में ये चीज़ देखूंगी इन शॉर्ट में कि आपके जो पार्टनर हैं क्या उन्हें उन्होंने आपके साथ जो किया क्या उस चीज़ का उन्हें गिल्ट है, इस पर मैं डिटेल बनाऊंगी, मगर अभी मैं एक हल्की सी एनर्जी लेना चाहती हूँ क्योंकि कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पर। आई थिंक यहाँ पर बहुत से पार्टनर जो आपके पार्टनर हैं, बहुत से लोगों के पार्टनर का फेवरेट कलर ब्लू होगा या फिर आपका हो सकता है, बताना मुझे। क्योंकि मैं इसलिए पूछती हूँ बताना, क्योंकि ये जो मेरे को एक्स्ट्रा मैसेज मिलते हैं ना, मैं इसमें अपनी कंफर्मेशन मांगती हूँ कि मैंने जो सोचा है क्या वो सही है, क्योंकि मुझे बैठे बैठे पता नहीं कौन कौन से ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा, जो भी है। देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को क्या अपने किए का पछतावा है, उन्होंने जो कुछ किया। एक वाह, एम्परर पहले आया, जब अब एम्प्रेस आया है, आप दोनों काउंटर पार्ट हो सकते हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, यह सबकोर्स इन्हें पछतावा है, ये अपनी डेस्टिनी को चेंज करना चाहते हैं, ये अपने समय को चेंज करना चाहते हैं, अपने हार्ट समय को, जो ये समय आपके बगैर इनका जो अच्छा नहीं चल रहा है। ये अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, यू नो, मतलब बिजी बहुत हैं ये अपनी लाइफ में, बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, अपनी फैमिली को संभाल रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो ये आप पे भी फोकस्ड हैं। ये आपके लिए अभी इतना सीरियसली होकर आपके बारे में ऐसा मतलब एक्शन वाले मोड में नहीं है, मगर जब भी ये बंदा खाली बैठा होता है ना, ये आपके बारे में सोचता है, आपकी फ़ोटोज़ बहुत देखता होगा, ये चीज़ मुझे दिख रही है। वाह, फिर अगेन जजमेंट, आपकी तरफ कॉल आने वाला है, मैसेज आने वाला है, टचवुड, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर तो बहुत से लोग ऐसे क्रॉस करके बैठे होंगे फिंगर की, प्लीज़ यूनिवर्स आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाएगा, आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपके पार्टनर को फिर अगेन बोलूँगी, यहाँ कोई कर्मा फेस करा है उन्होंने, चाहे वो हेल्थ के वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, थर्ड पार्टी वाइज हो, या कुछ और सिचुएशन वाइज हो, मगर यहाँ पर इन्हें किसी चीज़ का कर्मा ज़रूर मिला है, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अगेन यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है ना, ये मेरे कर्मों का फल है जो मैंने उसके साथ किया, ठीक है। इतना भी सोच लेना बंदा, इतना भी समझ ले तो भी बहुत है, भगवान माफ़ करता है, फिर आप भी माफ़ करोगे। आपके पार्टनर ये जानते हैं कि उन्होंने इस कनेक्शन बहुत इमैच्योरिटी दिखाई, मगर आप हमेशा से मैच्योर रहे। आपके पार्टनर ने ये भी सोचते हैं कि मैं इस इतने खूबसूरत कनेक्शन को बर्डन समझता रहा, जबकि ये बर्डन नहीं था, ये मेरे लिए एक लकी चार्म था, ठीक है। एस ऑफ एथेम्स, यहाँ पर ये चीज़ बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्लियर कट करना चाहते हैं। आई थिंक आपके पार्टनर ने कभी आपको येलो फ्लावर या फिर वाइट फ्लावर दिए होंगे, कहाँ से आते हैं मैसेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ रीयूनियन, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग सब कुछ करना चाहते हैं। इन्हें गिल्ट बहुत ज़्यादा है, बार बार मुझे रोने वाली फीलिंग क्यों आ रही है मुझे नहीं मालूम। फोर ऑफ एथेम्स, देखो मैंने कहा रोने वाली फीलिंग क्यों आ रही है, आपके पार्टनर के कोई हेल्थ इश्यूज क्रिएट हुए हैं, आपके पार्टनर आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं मगर इन्हें समझने नहीं आ रहा है, हाउ कैन आई। यहाँ पर नाइन ऑफ एथेम्स है, ये मैंने कहा ना आपके पार्टनर रोते होंगे, 99 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर। यहाँ देखो नाइन ऑफ एथेम्स है, आपके पार्टनर की स्लीपलेस नाइट्स होंगी। आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड करी है इंस्टाग्राम में जिसमें स्लीपलेस नाइट्स का जिक्र हुआ है, उसमें भी नाइन ऑफ सॉर्ड्स आया है और यहाँ पर भी नाइन ऑफ सॉर्ड्स आ गया। आपके पार्टनर रात में खुद को बहुत अकेला समझते हैं, ये सोचते हैं मैंने ज़िंदगी में कमाया बहुत, मैंने नाम भी कमाया, मैंने पैसा भी कमाया, आज मेरे अराउंड हज़ारों लोग हैं, मैं चाहूँ तो मैं इधर पार्टी करूँ उधर पार्टी करूँ, मगर देखा जाए तो मैं बहुत अकेला हूँ, ये खा रहे हैं उन्हें। आपके इस कनेक्शन में ना कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट कंफर्म है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पर हैप्पी हैप्पी सब दिख रहे हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं, सब कुछ है। यहाँ पर एक छिपकली आ गई जो यहाँ पर इस सब काम को ख़राब करने में लग रही है, किसी की गलत निगाहें, नज़र कह सकते हैं, ब्लैक मैजिक कह सकते हैं, कुछ ऐसा है, कोई है जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने नहीं दे रहा। एनीवेज आप बताना, ठीक है। यहाँ पर अगेन बता देती हूँ,
टॉरस हैं, लिब्रा हैं, जेमिनाई हैं। लिब्रा की बहुत ज़्यादा एनर्जी है और व्हील और जजमेंट में ऑल साइंस इंक्लूड है। जेमिनाई मैंने आई थिंक बोल दिया, और एक्वेरियस दिख रहा है। ये साइंस में जो बोलती हो ना उस पर मत जाओ, एनर्जीज पे जाओ। यहाँ पर बहुत से लोगों को साइन सुनने में मज़ा आता है। आई थिंक मैं उसका रीज़न बताऊँ आपको क्यों। अगर साइन आ जाता है ना, आप सोचते हो मेरा पार्टनर सच में यही चीज़ सोच रहा होगा, क्योंकि उसका साइन आया है, उसका कैप्रिकॉन है, यहाँ पर कैप्रिकॉन बोला गया है, तो ये रीडिंग मेरे लिए ही है। जॉडियक्स कोई मायने नहीं रखते हैं डियर, एनर्जीज मायने रखती हैं, उस पर फोकस करो। सिर्फ फोकस एनर्जीज पे होना चाहिए, ये सब कुछ चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। और अगर मान लो जॉडियक्स आपके नहीं हुए तो ये रीडिंग आपकी नहीं है ना, फिर आप ही गलत जा रहे हो, गलत दिशा में जा रहे हो। तो थोड़ा इस चीज़ पर गौर करो, थोड़ा सा मैच्योरिटी लेके आओ तो आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके यहाँ पर गाइडेंस देखूंगी मैं। ऑलराइट, यहाँ पर मैं गाइडेंस देखती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। ओके, एक साथ बताऊंगी, ठीक है। वन मोर, ऑलराइट। देखिए, आपको ये बोला जा रहा है, पहली चीज, जो भी आपकी साइकिल चल रही है, बहुत टफ है, कार्मिक साइकिल है, एनीथिंग एल्स, जो भी जो साइकिल आपको ट्रिगर कर रही है, वो अब कहीं ना कहीं एंड होती हुई नज़र आ रही है। एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, जो भी झूठ था, कुछ था, वो सब रिवील होने वाला है। ये चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। आप और आपके पार्टनर सेफ हैं, ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। आप किसी चीज़ की टेंशन ना लें, कुछ आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी प्रोटेक्शन आप पे और अपने आपके पार्टनर के ऊपर सेंड कर रहे हैं, नो वरीज। यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आप अपनी अचीवमेंट, अपने गोल्स के बहुत करीब हैं, तो बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग हमेशा। आपने कुछ नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके आने, ये चीज़ बोली जा रही है। आप अगर बहुत लेज़ी हो रहे हो, आपको लग रहा है मैं बहुत लेज़ी फील कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर मेडिटेशन करिए, नेचर से कनेक्टेड होइए, ठीक है। और आपको जो अच्छा लगता है, आपकी जो हॉबी है, आप उससे कनेक्टेड होइए। आपको पेंटिंग पसंद है, आप पेंटिंग करिए। आपको म्यूज़िक पसंद है, म्यूज़िक करिए। ट्रैवलिंग पसंद है तो थोड़ा बाहर जाइए। अगर आपको गैदरिंग पसंद है, फ्रेंड्स से मिलिए, जो आपको पसंद है आप वो करिए। मैं खुद करती हूँ, डेली की एक पेंटिंग बनाती हूँ, सुबह से लेके रात तक तो सेशंस चलते हैं, क्लासेस चलती हैं, मेरा भी तो माइंड रिलीफ मेरे को देने की ज़रूरत है ना उसको भी, तो मैं पेंटिंग करती हूँ रात में। आप भी करो, मैंने आपको मंडाला आर्ट बताया भी था, आप उस चीज़ को करो, ठीक है। वो बहुत अच्छा आर्ट होता है, वो आप मंगा लें, अमेज़ॉन से मिलेगा आपको। यहाँ पर टॉरस है, न्यू मून इन टॉरस, फुल मून इन कैप्रिकॉन, न्यू मून इन कैंसर, और यस, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की साइड से लव मैसेजेस देख लेती हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ से देखूंगी, आपके पार्टनर की साइड से आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं, उनकी साइड से लव मैसेजेस। वन, ओके, एक साथ बताती हूँ क्योंकि हिंदी एक्सप्लेन हो गया। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, पहली बात तो इन्हें ये कहना चाह रहे हैं, मैंने तुम्हें अपने कोल्ड इमोशंस दिखाए, तुम्हें लेफ्ट आउट फील करवाया, तुम्हें इग्नोर करा, अपने इमोशन, अपने पैशंस तुम्हें एक जेन्युइन तरीके से नहीं दिखाया मैंने, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहे हैं। ये भी कहना चाहते हैं तुम्हारी मेमोरीज़
सब कुछ, मैं चाहूँ भी ना अगर तुमसे दूर होना कि हम एक नहीं हो सकते या कुछ, मगर तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारी बातें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तुम मेरे लिए मेरी बेटर हाफ हो, मैं तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ दिल से कि मैंने तुम्हें हर्ट करा, ठीक है, ये चीज़। और ये भी कहते हैं कि अगर इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में हम ज़रूर मिलेंगे, ये लव मैसेजेस हैं। ऑलराइट, ठीक है, ये अगेन यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, मैं इसको लवर का ही मानती हूँ, पहले भी बताया था मैंने। देखो, सॉरी डेट आई हर्ट यू, पोजेसिव या मेमोरीज डिस्ट्रैक्ट मी, लव वेंट कोल्ड। ओके, ये चीज़ हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट मैं यहाँ से भी लव मैसेजेस देख लेती हूँ। मैंने खास आप लोगों के लिए ही ये मैसेजेस, मैंने ये डेक, मैंने फर्स्ट टाइम डेक लिया है नहीं तो मुझे गिफ्टेड ही होते हैं सारे, सिर्फ आप लोगों के लिए लव मैसेजेस के लिए मैंने लिया है। ये खास तौर से मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि ये ट्विन फ्लेम के हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स जो कनेक्शन में होते हैं उनके लिए ये कार्ड है और आज की रीडिंग में आया भी है, इसलिए डेट्स वाई मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। ओके, यहाँ पर देखते हैं आपके पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं। आई एम सॉरी आई वॉज सो बिजी आई इग्नोर्ड यू, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बहुत बिजी हूँ मगर मैंने बिजी अपने आप को दिखाकर तुम्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। नेक्स्ट है यहाँ पर आई हैव बिकम मोर स्पिरिचुअल, मैंने कहा ना आप दोनों स्पिरिचुअल जर्नी में हो, किसी ये अब कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को मान रहे हैं, यूनिवर्स भी इन्हें अवेयर कर रही है, इन्हें किसी ना किसी तरीके की कोई साइन सेंड कर रही है क्योंकि यहाँ पर दो बार जजमेंट आ चुका है, इस वजह से मैंने बोला नो बाउंड्रीज आर बिटवीन अस वी आर कनेक्टेड। कोई भी दीवार, किसी भी तरीके के ऑब्स्टेकल्स हम दोनों को एक तरीके से अलग नहीं कर सकते हैं, हम फिर भी दूर रहकर भी हम कनेक्टेड हैं। वाह, बहुत सुंदर मैसेजेस हैं इसके, आवर हार्ट्स आर कनेक्टेड बाय, ओके मैं हिंदी बता तो रही हूँ ना साथ में शायद, ठीक है, हम बहुत दूर हैं, अगेन यहाँ पर आया है हम बहुत ज़्यादा दूर हैं फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये कनेक्टेड ही रहेंगे, किसी भी तरीके का कोई कॉर्ड, जैसे कॉर्ड कटिंग्स होती हैं ना, तो वो हमें दूर नहीं कर सकता। आई विश आई कुड अपोलोजाइज, काश मैं तुम्हारे सामने इतनी हिम्मत रख पाता कि मैं तुमसे माफ़ी मांग पाता, क्योंकि एम्परर की एनर्जी आई है, वो झुकता नहीं है, झुकाता है, वो सॉरी भी होगा ना तो एक तमाचा मार के सॉरी बोलेगा, ठीक है सॉरी ऐसे करके, जबकि वो दिल से सॉरी मांग रहा होता है, मगर वही है ना एम्परर की एनर्जी है। आई डिडेंट, अच्छा मुझे मालूम, मैं इस चीज़ को महसूस ही नहीं कर पाया जब हमारा ये कनेक्शन था, मैं इस चीज़ को महसूस ही नहीं कर पाया कि हमारा प्यार कितना स्पिरिचुअल है। अब जब हम दूर हैं तो मुझे कहीं ना कहीं वो प्यार बहुत डीपली फील होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर मैं देखती हूँ आई वॉज स्केयर्ड एज आई नेवर फेल्ट दीज इमोशन अर्लियर। ओके, इसका मतलब क्या था, ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे को डर लगता है कि मैंने ये जो अब मेरे दिल में जिस तरीके का प्यार आ रहा है, मुझे इस चीज़ का डर है कि अगर ये मैंने नहीं दिखाया तो कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ, कह रही हूँ, ठीक है, खो ना दूँ। आई थिंक आपके पार्टनर ना, मेरी जबान ट्विस्ट हुई है, इसका एक रीज़न ये है कि आई थिंक आपके पार्टनर ना आपसे कहना बहुत कुछ चाहते हैं मगर वो कह नहीं पा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना उन्हें बार बार उनका ईगो या फिर कोई चीज़ उन्हें रोक रही है कि वो आपसे कुछ खुल के नहीं कह पा रहे हैं। आई थिंक आपके पार्टनर बहुत मीन्स बहुत कुछ कहना चाहते हैं मगर वो टोटली आपको बोल नहीं पा रहे हैं। आई लव यू, इसका मतलब है मैं तुम्हें ऊपर से लेके पैर तक, ऊपर से लेके नीचे तक, पूरे पैरों तक मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। इसका मतलब ये होता है कुछ गंदे में मत लेके चले जाना आप लोग, इसका मतलब ये होता है मेरे चैनल में कोई किसी तरीके की गंदगी नहीं है, ठीक है। वो ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी एक खूबसूरती से ही नहीं फिदा था, अब मैं तुम्हारी सोल से भी फिदा हूँ, मैं तुम्हें
सर से लेके पांव तक प्यार करना चाहता हूँ और प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी सोल नहीं, तुम्हारी बॉडी नहीं, तुम्हारी खूबसूरती नहीं, तुम्हारी हर चीज़ इंपॉर्टेंट है और मैं उससे हर चीज़ से प्यार करता हूँ। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। इसको मैं हिंदी में नहीं बोलूँगी, मेरे लिए हिंदी बहुत, मैं ये नहीं है कि मैं कोई अंग्रेज़ की औलाद हूँ, मगर मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाती हूँ यार, जो चीज़ है वो है। मैं इसको इंग्लिश में बोल रही हूँ, लिख लेना फिर गूगल कर लेना, ठीक है। आई वुड हैव नेवर न्यू हाउ मच आई लव यू इफ वी वर टुगेदर, ओके। एक के बाद एक लूँगी ना, यहाँ मैसेज पे मैसेज आते जाएंगे। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही, एक गाना चैनल हो रहा है मेरे माइंड में, वो कौन सा है, आवारा पन्नी है शायद मूवी का नेम, इमरान हाशमी की मूवी है कुछ ऐसा, उसमें वो गाना है ना, तो फिर आओ मुझको रुलाओ, वो गाना सुनना। मैं सॉन्ग निकालने वाली थी मगर मुझे चैनल हो गया, आप ये गाना सुनना, कुछ रिलेट करें, ओके। तो ये थी आज की रीडिंग, कितनी रिलेट हुई बताना, और प्लीज़ पहले जैसा प्यार तो आपकी मेरी रीडिंग में आपका नहीं मिल रहा है, आई डोंट नो वाई, ठीक है। सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए रीडिंग्स लेके आऊँगी, अगर मुझे आप मोटिवेट या सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं शायद ही बहुत कम आऊँ, क्योंकि मेरे पास और बहुत काम होते हैं, मैं चैनल पे नहीं आ पाती हूँ, ठीक है। अगर आप प्यार दोगे तो मैं आऊँगी, अगर आप को कैजुअल लग रही हैं चीज़ें, लोग कह के करवाते हैं, मगर आप जो नहीं बोल रहा है एटलीस्ट उसको तो अप्रिशिएट करो, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, मैं अपने लिए नहीं, मैं हर टैरो रीडर के लिए बोल रही हूँ, बहुत मेहनत करते हैं, प्लीज़ उनको भी सपोर्ट करें, ऑलराइट। ये सारी आज की रीडिंग थी, कितनी रिलेट हुई आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको रीडिंग्स लेनी है मुझसे तो आप पर्सनली मुझे कॉल ना करें, प्लीज़ कॉल ना करें, फिर बोल रही हूँ, करते हैं उसके बावजूद भी लोग, ठीक है। आप लोग मैसेज करें, मैसेज में पूछें, कोर्स के रिगार्डिंग कुछ पूछना है मेरी व्हाट्सएप प्रोफाइल चेक करें, उसमें सब कुछ मेंशन है। इंस्टाग्राम की आईडी कमेंट्स में ना पूछें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, लिंक से भी अगर ओपन नहीं हो रहा है तो डिवाइन नैन्शा सर्च करें, उसमें मेरी ही डीपी लगी है ब्लू सूट में, ठीक है। ये चीज़ है, और मेरी ही फ़ोटो लगाकर सब लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो या यूट्यूब में। इंस्टाग्राम का एक तरीका बता रही हूँ मैं, मेरा रियल अकाउंट कौन सा है, मैंने किसी को भी फॉलो नहीं कर रखा, फाइन, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता सकती। एनीवेज, टेक केयर, खुश रहो, मौज करो, हर दिन ऐसा सोचो कि भगवान ने आज का दिन भी हमें दिया है, ग्रैटिट्यूड शो करा करो मॉर्निंग में उठकर, ठीक है। ये नहीं कि अरे मेरे पार्टनर का मैसेज कब आएगा, वो कब करेगा, कब सॉर्ट आउट होगा, जिसने आना होगा वो आएगा, जिसे नहीं आना होगा वो आपके मुंह पे 100 जूते मार के भी नहीं आएगा, और आप 100 जूते खाकर भी उसका वेट करते रहना, एक क्लियर कट बात बोली है। तो बेटर है खुद पे फोकस करो, ज़िंदगी में अगर कोई सच में सच्चा प्यार करता है ना, वो आपको गिराता नहीं है ना, आपको बेइज्जत करता है, जिसने सच्चा प्यार करा होगा, और जिसने सच्चा प्यार नहीं करा, जैसे आप वेट कर रहे हो वो वेट करा रहा है, तो ये सच्चा प्यार नहीं है मेरी नज़र में, तो बिल्कुल भी नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। एनीवेज, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, और इंस्टाग्राम में चेक करिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।